और थोड़ा हट के है हीना रूबानी खर, जो कि हमारी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर सिर्फ हमारा इशू नहीं है, वो एक इंटरनेशनल इशू है। ठीक है, इसके ऊपर आपसे पब्लिक से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर इंटरनेशनल इश्यूज है कश्मीर, तो फिर दूसरे तमाम कंट्रीज, इवन इस्लामिक कंट्री भी, सऊदीया, यूएई, ये इंडिया के साथ रिलेशन, और वो भी उस इंडिया साइड कश्मीर में जाके अपना बिजनेस कर रहे हैं, मॉल ऑफ श्रीनगर या इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और हम 75 साल से लड़ते आए। अब देखिए ना, बात ये है कि आपका क्या नाम है? सुहेब। सुहेब भाई, बात ये है कि देखें, हमारे साल में एक दिन ऐसा आता है जिसको 5 फरवरी कहते हैं, वो है कश्मीर के लिए। अच्छा। वो किसी लिए कर रहे हैं हम? कश्मीर डे है ना, फिर करें ना हम कश्मीर डे। अगर ये मनाते हैं, क्या जस्ट एक फॉर्मेलिटी है? नहीं, कश्मीर डे मना के आपको लगता है कि ना, 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 ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक पूरा एक लोगों को बताना है कि हम आज इस दिन छुट्टी कर रहे हैं। ये छुट्टी किस लिए कर रहे हैं कि हम, कश्मीर हमारा है, कश्मीर सिर्फ ये उन लोगों का नहीं है, ये पूरी इंटरनेशनल तो चलो होगा, लेकिन हमारे पाकिस्तान का ज़्यादा है, क्योंकि मुस्लिम है वहाँ पर, मुस्लिम के साथ वहाँ पे जो सलूक हो रहा है वो हमारे सबके सामने। अच्छा, छुट्टी करने का, साल में एक दिन छुट्टी का करने का मकसद यह है कि कश्मीर हमारा, ये लॉजिक है? नहीं नहीं, लॉजिक ये नहीं छुट्टी करने का, ये बताना चाहते हैं कि देखें जनाब, एक दिन जो छुट्टी हो रही है ना, हाँ मैसेज देना चाह रही है, हाँ साल में एक छुट्टी करके हम कह दें कि कश्मीर हमारा है, ऐसे इंडिया वाले साल में दो छुट्टियां करके कह दें पूरा पाकिस्तान या पूरा बलूचिस्तान हमारा है। अब मुस्लिम जो है, जैसे कायदे आजम है, जैसे हमारे बड़े जितने भी अकाबरीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में हमारा साथ दिया है, हमारे बड़ों ने जो अपनी जानों को कुर्बानियाँ दी हैं, ये मुसलमानों के लिए तो दिए, ये कश्मीर के लिए दिए, कश्मीर तो हमारा है ना, पाकिस्तान का है कश्मीर, मुसलमानों का कश्मीर है, तो इन्होंने तो इसके ऊपर जो काबिज हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस भी यही कहती है कि कश्मीर जो सा है ना, तो मतलब वो ये नहीं कहते पाकिस्तान का, वो ये कहते हैं डिस्प्यूटेड एरिया है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक। अच्छा, ये बताएं कि क्यों फिर दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हों, खासतौर पे यूएई जिसे हम फॉलो करते हैं, सऊदी हम फॉलो करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, वो जाके उसी कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसकी मुझे समझ नहीं आती। बात ये है कि वो लोग अपनी जो है ना दुनिया बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पर दुनिया नहीं बनानी, यहाँ पर हमने आखिरत भी देखनी, कि मुसलमान मुसलमान का दो भाई होता है, एक मुसलमान जिस्म के मानिंद है, जहाँ पे भी मुस्लिम परेशान होंगे, जैसे कश्मीर हमारा परेशानी के हालत में है, हमें खुद तकलीफ़ होती है कि जनाब हमारा मुस्लिम जो है, हमारा कश्मीरी जो है परेशान क्यों है, इसकी आज़ादी के लिए हमें तगो तो करनी चाहिए। ठीक हो गया, ये जो कश्मीर परेशान है, आपने ये कब की मतलब वीडियोज़ या कभी आपका कश्मीर का विज़िट हुआ? कश्मीर का हमारा तो मकबूजा में तो नहीं हुआ, हम जैसे हम जाहिर बात, हाँ आज़ाद, लास्ट टाइम कब विजिट हुआ? ये भी तकरीबन कोई लास्ट 2021 में गया था मैं, मतलब दो साल पहले। ठीक है, वहाँ पे जो कंडीशन थी, मैं अभी 2 महीने पहले गया हूँ, वहाँ पे कंडीशन है जो जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, आटा वहाँ पे महंगा, गाड़ियों की कीमत वहाँ पे महंगी, बिजली के रेट वहाँ पे महंगा, और जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं वहाँ पे, वो वहाँ सुनने में आया है, और ये अथेंटिक खबर हो सकती है कि वहाँ पे राशन भी वो ऑलमोस्ट फ्री दे रहे हैं, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो के हिसाब से बिजली फ्री दे रहे हैं, बहुत कम रेट पे दे रहे हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें सस्ती हों जिसे हम मकबूजा कहते हैं, आज़ाद वाले तो परेशान नहीं हो जाएंगे? ये हर एक के लिए थोड़ी, आपको ये जो बताया गया ना कि वहाँ पर सस्ती चीज़ें हैं, वहाँ पर जान सस्ती है। अच्छा, जान को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सिर्फ खाना है तो नहीं है वहाँ पे, जो हमारे जो कश्मीरियों की जानों को के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे कश्मीरियों के जो इज्जतों के जो पमाल किया जा रहा है, वो पैसों के मुकाबले में क्या सस्ती है? अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, लेकिन बहुत गलत हो रहा है, तो नहीं रही है तो आपको पता है, रिसेंटली एक लड़की ने इंडिया साइड कश्मीर, जो जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ की छोटी सी सीरत नाज उसका नाम था, मुस्लिम लड़की थी, उसने जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को बोला कि हमें स्कूल बना दें, अगले दिन स्कूल बन गया। हमारे यहाँ पे हम रोते रहते हैं जी, गलियाँ पक्की कर दो, सड़कें पक्की कर दो, नाली ठीक कर दो, रोड ठीक कर दो। आपने अगर जैसे उसने कहा कि जनाब सीरत नाज ने कहा कि स्कूल बना दो, उसने स्कूल बना दिया, सिर्फ स्कूल बनाना काफ़ी थोड़ी है? मिसाल के तौर पर एक जगह पे स्कूल बना दिया, बाकी जगह पर जो है सारों को इज्जत पमाल की जाएँ, एक जगह पे किया काम, बाकी जगह पर या तो पूरा कश्मीर सुकून में है, पूरा कश्मीर जो है उनकी बच्चियों की इज्जतें हैं, हिफाजत महफूज हैं, और वहाँ पे मुस्लिम हिफाजत में है, फिर तो ठीक है, ऐसा तो कोई भी नहीं है। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल और बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। लेट्स सपोज अगर आपको तसल्ली होती है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, आपको कहते हैं सर आए आपको इंडिया साइड कश्मीर का विजिट करवाएं, आप वहाँ पे विजिट करते हैं, वहाँ पे देखते हैं सब अमन शांति है, स्कूल भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, और उनसे आप बात करते हैं कश्मीरियों से, वो कहते हैं हाँ भाई हम यहाँ खुश हैं, फिर आप क्या कहेंगे, इंडिया के पास रहने दें? ना ऐसा तो कोई नहीं है, तो भी आप कह रहे हैं ना, 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 ना ऐसा तो आप कह रहे हैं ना कि वहाँ पर ऐसे सुकून है? नहीं नहीं, मैंने तो ये खबर बताई है, मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये बात की है ना कि अगर वहाँ सब कुछ ठीक है तो फिर ठीक, फिर अच्छी बात है, तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर वहाँ सब ठीक है, आपकी भी तसल्ली हो जाती है, आप कहते हो हाँ यार सब ठीक है,
फिर हाँ आप आके पाकिस्तान में आके बोलेंगे कि हाँ भाई इंडिया साइड कश्मीर में सब ठीक। अगर तो वो सुकून में है, उनकी इज्जतों की खिलवाड़ नहीं हो रहा, उनकी इज्जत को पामाल नहीं किया जा रहा, सुकून में रह तो रहे ना, अगर रह रहे तो ठीक है, रहते नहीं यार। ये यही चीज है, अब पाकिस्तान के लोगों को भी यही, मतलब मैं मेजोरिटी की बात करता हूँ, वो ये चाहते हैं कि लोग अमन से रहें, यहाँ रहें वहाँ रहें। अगर इनकी बात करें, ये भी इन्होंने पहले बोला कि वहाँ पे इज्जतें ये हैं वो हैं, बहुत इश्यूज हैं, क्योंकि हमारे मीडिया पे जो चीज़ दिखाई जाती है हमारा माइंड उस सेट से उस तरीके से बनता है। अगर वही चीज़ डेवलपमेंट के हवाले से दिखाएं, वही चीज़ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के हवाले से दिखाएं और रियलिटी हो, झूठ ना हो, तो फिर शायद मैं ये समझता हूँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 80% पाकिस्तानी यही कहेंगे कि अगर वो वहाँ अगर सुकून में है तो ठीक है, सुकून में रह रहे हैं, रहते हैं तो यहाँ अपने लिए बहुत मुश्किलें, आटा महंगा, ये चीज़ें हम उन्हें साथ रख के और बिल्कुल बात पता किया। मुसलमान कहीं भी हो सुकून में रहना चाहिए यार, वहाँ पर उसको जो है ना जो डेवलपमेंट के जो मामलात हैं वो होने चाहिए, पढ़ाई के एजुकेशन के मामलात होने चाहिए, रहने सहने के मामलात हैं, उनको रहने के लिए आज़ादी हो, परेशानी ना हो, बच्चियों को आज़ादी हो, परेशानी। आप तो ये कह रहे हैं इंडिया में क्या मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा, मुस्लिम कशी की जा रही है, बताएं क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, मुस्लिम कशी जो अभी पिछले जो इशू चल रहा था, एक बच्ची ने वो नकाब किया है, वो तीन साल पहले जो जो भी हुआ, सिर्फ वो तो एक हाईलाइट हो गया ना, जो हाईलाइट ही हो रहा, जो कुछ नहीं हो रहा। यहाँ सऊदीया की अगर बात करें, वहाँ पे कई जगहों पे ऐसे कई ऐसी एरियाज हैं जहाँ एग्जाम सेंटर में या कुछ ऐसे एरियाज में इंस्टीट्यूट में नकाब पे पाबंदी है, उसकी रीज़न ये है। अब मैं लेट्स सपोज मेरा कोई कॉलेज है, कोई अदारा है, आपका कोई कॉलेज या अदारा है, आप वहाँ पे नकाब पे पाबंदी लगाते हैं इस वजह से, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जी जी। अब वो ये कह दिया जाएगा पाकिस्तान में नकाब पे। अच्छा बात बता क्या, ये सिक्योरिटी तो एक औरत की इज्जत, मैं अर्ज करता हूँ, औरत की एक सेफ्टी है, दूसरा इस्लाम ने औरत को एक तहफ़ दिया है, तहफ़ बहुत, ये तो देखें नकाब होना या पर्दा होना ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो बात बता क्या, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, सऊदीया हो, कोई भी हो, इवन कि जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, हमारी मुसलमान बहनें रहती हैं, उनको वहाँ पर जो है वो होना चाहिए। नसर कशी के बारे में देखें, वहाँ पर जो इंडिया में होता रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, छुपा नहीं होगा, लेकिन एक देखें हमने बात करनी है फैक्ट्स पे, फिगर पे, इंडिया से भी बहुत लोग, ज्यादातर लोग इंडिया से भी हमें देखते हैं, पाकिस्तान से, यूके, कनाडा से, बात एजुकेटेड लोगों से करने का मकसद ये होता है कि थोड़ी अथेंटिक बात हो, फैक्ट्स की बेस पे हो, ठीक है। अगर हम वैसे ये गली मोहल्ले के किसी बंदे से जाके गए वो तो जज्बाती में जज्बात में आगेगा, ये कर देंगे, जहाद कर देंगे, लेकिन अब फैक्ट्स के ऊपर बात करें, जब 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद क्या थी, रेशो क्या थी, आज कितनी है, और जहां पे हम इंडिया में कहते हैं मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही है, वहां पे 1947 में मुसलमानों की तादाद कितनी थी, रेशो कितनी थी और आज कितनी है। अगर हम मैं आपको बताऊं कि वहां पे पहले रेशो बहुत कम थी, अब 15-16% ऑलमोस्ट जो इंडिया की कुल आबादी है उसके मुताबिक है। पाकिस्तान में पहले 14-15% हिंदू थे, आज मुश्किल से 1% वो भी सिंध में है, और किस कंडीशन में है वो, क्या नस्ल कशी की बात करें वो फिर कहाँ पे हुई। अच्छा देखिए पाकिस्तान में हिंदू है, हाँ, जितनी भी कम्युनिटी रहती है मुस्लिम के अलावा, कभी आपने सुना कि किसी को तंग किया गया हो सिंध में? आपने बहुत सिंध में बहुत, मैं बता दूं, आप भी थोड़ा नॉलेज रखते हैं, सिंध से खबरें आती हैं कि नहीं, सच बताइएगा। मैं बता दूं, मैं बताता हूं, एक जाहिल काम करे ना, एक होता है इंटरनेशनल काम हो रहा है, यानी कि ये पूरी एक बरादरी, यानी कि पूरा पाकिस्तान इसके पीछे लग गया हो, वहाँ पर हिंदू जो है ना, हिंदू जो सिंध में जो हिंदू हैं, वो जो अगर वहाँ पर उनको तकलीफ हो रही है ना किसी वजह से, क्यों हो रही है तकलीफ, कुछ वहाँ के लोग मुकामी लोग, ना मैं बताता हूँ, वहाँ पर उनकी वजह से हो रही होगी, वरना किसी को मुस्लिम तंग नहीं करता। अच्छा, मुसलमान कोई तंग नहीं करेगा, ये याद रखिएगा, मुसलमान तंग नहीं करेगा। आपको लगता है कि हिंदू जो यहाँ पे थोड़े से हैं गिनती की, तो बिल्कुल गिने चुने जी, मैंने तो जो भी है, ईसाई भी तो है ना, क्रिश्चियन लोग भी तो रहते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ करेंगे कि मेजॉरिटी मुसलमानों की है और वो उन्हें तंग करेंगे, अगर तो वो मुस्लिम की जो है ना, मुसलमानों को अगर तंग करते हैं, मुसलमानों को उनकी इज्जतों के जो है ना वो खिलवाड़ करते हैं या उनको तंग करते हैं ना किसी भी तरीके से, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, नहीं मैं यहीं की अगर वो तंग कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपको लगता है इतनी हिम्मत है किसी की? ना, मैं कह रहा हूं अगर वहां के सिंध के जो है ना हिंदू, सिंध के हिंदू की बात करो, अगर सिंध पाकिस्तान नहीं है, मैं ये कह रहा हूं अगर सिंध का हिंदू तंग कर रहा है ना, तंग हो रहा है, वो अपनी वजह से तंग हो रहा है, वो करना कोई आप तंग कर रहे हैं, मैं तंग कर रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं जो बड़े मशहूर नाम हैं, वो मुल्ला हजरत हैं, मैं नाम नहीं लेता, जो जबरदस्ती फोर्स कन्वर्जन के, गलत है, देखें दीन, दीन जो है वो, मियां मिठू एक नाम है, मैं नाम नहीं लेता, मैं बता दूं, दीन सख्ती का नाम नहीं है, ऐसे ही है, दीन इस्लाम मोहब्बत का नाम है, और दीन इस्लाम फैला ही मोहब्बत से, हजूर अलैहिस्सलाम की अगर हम सीरत देखें तो मोहब्बत से फैला है, जंग तो कम हुई, जंगे तो कम हुई हैं,
जंगे सीधा सीधा है, ऐसे ही है। इंडिया में जो आपने बोला मुसलमानों की नस्ल कशी, वो कैसे हुई? वो मतलब वो अगर कम नस्ल कशी हुई है तो तादाद कम होनी चाहिए थी, बढ़ क्यों गई? बात बता क्या है, मुस्लिम वैसे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बरकत ही बड़ी है मुसलमानों में। अच्छा, मैं बरकत ही बड़ी, मैं बरकत ही बड़ी है इस मुसलमान। अब देखें लाखों लाख जो है ना, लाखों लाख जो है ना, लाखों लाख कुर्बानी में जानवर ज़िबा होते हैं, वो हलाल हैं। कुतिया बच्चे जनती छः छः, बकरी जनती है एक या दो, किसकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए थी? होनी तो कुतिया की, लेकिन ये बकरी की क्यों तादाद ज़्यादा है, हलाल की क्यों तादाद ज़्यादा है? इसलिए कि अल्लाह ने हलाल में बरकत दी है, उनमें बरकत हो नहीं सकती, उनमें बरकत नहीं हो सकती जो गैर मुस्लिम है। अगर तंग करते हैं मुसलमानों को, अगर देखें कहीं भी, मैं तो एक जर्नली बात करूं, कहीं भी मुसलमानों को तंग नहीं किया जा रहा, मुसलमान किसी को तंग नहीं करता। हाँ अच्छा, लेकिन ये है कि यहाँ पे अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी चीजों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन है, उनको राइट है अपनी बात रखने का, और हम पब्लिक में आते इसलिए कि जिसकी जो ओपिनियन है वो पहुंचाई जाए। दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर लें, जो नॉन मुस्लिम है, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, अगर आपने बरकत की बात की ना, उनमें बरकत नहीं है, तो डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी में सुपर पावर देखें, अमेरिका है, टेक्नोलॉजी की बात करें इसराइल है, क्यों है ये चीजें? हमारे पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि यार एक बंदा था, उसने यार एक बड़ी बेहतरीन चीज बना दी, वो एक दफा नजर आता दोबारा नजर नहीं आता। किसी ने जहाज भी बनाया, वो दोबारा नजर क्यों नहीं आते वो लोग? वो एक दफा आते हैं तो वो बरकत क्यों नहीं डालती? वो बरकत पता क्या, वो लोग यहाँ से माइग्रेट करके बाहर चले जाते हैं, उनकी यहाँ पे सुनवाई नहीं होती, बाहर चले जाते हैं। बाहर जो उनसे हैं, वो नॉन मुस्लिम बैठे हैं, इसका मतलब वो सुनते हैं? नॉन मुस्लिम, अगर देखें बात पता क्या, अगर कोई किसी का ख्याल रखता है, अगर कोई आप मिसाल के तौर पर आपका कोई ख्याल रख रहा है, आपको तंग नहीं कर रहा, आप अगर बाहर जाके कमाई कर रहे हैं, तो कितने मुसलमान हैं, कितने पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे जाके कमाई भी कर रहे हैं, ठीक है? कि बात ये है कि ये जो आप बरकत की बात कर रहे हैं ना, बरकत का मतलब ये नहीं, बरकत का कहने का मतलब ये है कि हमारे कामों में, हमारे सिर्फ बच्चों की तादाद में बरकत होती जा रही है, कामों में बरकत क्यों नहीं पड़ती? हम अपनी इकॉनमी को क्यों नहीं प्रैक्टिकली उनकी बरकत होती है जो करना चाहते हैं, जो करना नहीं चाहते उनकी बरकत होती नहीं है। हम अपने मतलब हम टेक्नोलॉजी में काम नहीं करना, अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, करना चाहते हैं, बरकत क्यों नहीं? हमें आगे आने नहीं देते ना, आगे आने कौन देता है? आगे नहीं आने देते जनाब, ये आगे आ गया तो हमारा तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कौन नहीं आगे आने देता? जो है आपको भी पता है सारा, हर एक को बताने की जरूरत, फिर भी नहीं दुनिया को पता चले गैर मुस्लिम है, नॉन ना ना, अपने अपने ही वो है ना, वो कहते हैं कि घर को आग लगे घर के चिराग से, ये बाहर वाले तो बाद में दुश्मन बाद में वो मारता है, अपने पहले मारते हैं। इससे एग्री करता हूँ कि हम जो हमेशा, मैं और यही कहता था, जो हम हमेशा ब्लेम देते हैं, ये उसने कर दिया, ये इसराइल ने, अमेरिका ने कर दिया, भाई अपने ऊपर जब हम अपने घर में देखेंगे पता चलेगा बहुत सी खामियां हमारे अंदर मौजूद हैं जो हमें ठीक करनी। जी जी, ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी ही। कश्मीर का इशू 75 साल से चलता आ रहा है, क्या लगता है आगे कोई हल होगा? हम सिर्फ नारे लगाते, कोई आए तो आए, आए ना कोई आए, कोई आए संभालने वाला तो कोई 75 साल में नहीं आया। मैं बता, पाकिस्तान बन ही गया ना, अल्लाह तबारक तआला ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को जो भेजा हमारे लिए, पाकिस्तान बन ही गया ना यार, दो बंदों की वजह से बन गया यार। उसकी मिसमैनेजमेंट थी जिसकी वजह से 1971 में टूट भी गया। देखे मिसमैनेजमेंट, अच्छा देखे वो तो बनाने वालों ने बना के दे दिया, अब रोटी आपको आपकी अम्मी अबू ने बना के दे दी है, अब खाओ तो सही यार, सही तरीके से खाओ, मिलके खाओ यार, ये तो नहीं कि जनाब मैं सारा कुछ लाया हुआ, मैं सारा कुछ ले जाऊँ, ये नहीं है। अच्छा, जो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, किस मकसद के लिए? हाँ हाँ, बस ये देखें हमारे बुजुर्गान दीन ने कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए। नहीं, किस मकसद के लिए? और मतलब क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला और उसके महबूब अलैहिस्सलाम के दीन का प्रचार हो, यहाँ पे मुसलमान सुकून से रहें, अमन से रहें, यहाँ पे जो है ना मामला जो है ना जो सही दीन के मुताबिक जो चल रहा है ना मामला उसको लेके चले, वो होना चाहिए। लेकिन अब हमारे जो यहाँ पर हमारा देखें ये दिन अपने ही वो गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। ठीक है, अभी आप, मैं अब ये बात करने वाला हूँ, बहुत लोगों को शायद थोड़ी अजीब लगे, क्या इस टाइम हम पाकिस्तान में अल्लाह से जंग नहीं कर रहे? हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है, सूद भी हो रहा है, सिर्फ सूद ही थोड़ी है। अब नमाज ये 5 वक्त की हम पे फर्ज है, बांधा हुआ फर्ज है, शराब है, ये एक तो बीमारी है ना, बुराइयाँ हैं, हम नेकियों को छोड़ रहे हैं, नेकी को छोड़ेंगे तो बुराई गालिब आएगी, हम नेकियों की तरफ आएंगे तो बुराई खत्म हो जाएंगी। मतलब जो पाकिस्तान बनाने का मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, हो नहीं रहा, अल्लाह करे हो जाए, हाँ यही चीजें हैं। आप इसके अंदर कुछ कहना चाहेंगे भाईजान? कोई अपनी बहुत अच्छी बातें की, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके अंदर के, मतलब जो इस टाइम सिचुएशन है कश्मीर की, पाकिस्तान की, देखें हमारे कामों की वजह से पूरी दुनिया में हम इस टाइम क्या हमारी वजह से परेशानी है, इमेज हमारा खराब हो रहा है, इवन मजहब, अगर दीने इस्लाम तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूर अमन, और ये देखें हमारी, अगर पीछे देखें ना, साइंसदान हमारे थे,
अतिबा हमारे थे, हकीम जिसको कहते हैं या साइंसदान कह लें, ये सारे हमारे थे। अब हमने अपने कामों को छोड़ा तो उन्होंने पकड़ लिया। तो कह रहा हूँ आपने कहा दीन इस्लाम पूरा मन है, और मेरा भी यही मैसेज और मेरा भी यही पैगाम है कि भाई कोई भी दीन है, इस्लाम की और खासतौर पे बात करें अमन का दीन है, लेकिन आज इस्लामोफोबिया की बात हो रही है। आज दुनिया के बड़े बड़े दहशतगर्द देखें तो कहीं ना कहीं लिंक, आप उसामा बिन लादन की बात करें या बहुत से नाम है मैं नहीं लेता उनकी बात करें तो वो मुसलमानों के अंदर से या इस तरीके से निकलते हैं। तो जिन्हें दुनिया दहशतगर्द मानती है, हम शायद उन्हें हीरो माने लेकिन दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें टेररिस्ट कहती है। क्या वजह? बात बता क्या है, मुस्लिम के ऊपर जो है टेररिस्ट का जो इतलाक आ रहा है ना, ये तो बेबुनियाद है। मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता। मुसलमान के बारे में तो ये कि एक मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान वो है जिसके दूसरे मुसलमान से यानी कि इज्जत महफूज रहे ना। आपने बोला मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ये कहना है जो दहशतगर्द है वो मजहब है ही नहीं, वो नहीं मजहब, वो तो लादीनियत फैला रहे हैं ना, वो मुसलमान हो नहीं सकते। इस्लाम के प्रचार, इस्लाम की तालीमात यही नहीं है। हुज़ूर अलैहि सल्लम फरमाते अपने मुसलमान को एक घूर के ना देखो तो आप कह रहे कत्ल करेगा मुसलमान, ये नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं कत्ल करेगा। कश्मीर का इशू कभी हल होता नजर आ रहा है? इंशाल्लाह हो जाए, मतलब इंशाल्लाह। और हम लोग तो उम्मीद पे कायम है ना, उम्मीद कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, बस आप अपने लिए करें, हम सब मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं। हमें पहले लाहौर के लिए, हमें पहले अपने पंजाब के लिए बनाएंगे हम, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम बात करेंगे, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ जो है ना हम दीन के मुताबिक रहेंगे ना तो हम लोग मार नहीं खाएंगे। भाई देखें यही बात है कि जब हम कैमरे पे बात करते हैं, माइक पे बात करते हैं, हम कहते हैं इस्लाम लाएंगे, मजहब लाएंगे, लेकिन यहाँ पे खुद हम क्या कर रहे हैं? आप मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, ऐसे ही है, मुनाफाखोरी, सूदखोरी, बेईमानी। आज एक दूसरे का नफ्सो नफसी का दौर है ना, एक दूसरे का हक मारना। शरी निज़ाम क्यों नहीं ले आते? शरी निज़ाम देखें, बात बता के शरी निज़ाम जो है ना, निज़ाम मुस्तफ़ा जिसको कहते हैं, वो सबसे पहले हम अपने पर लेकर आए। जब मेरा शरीफ निज़ाम नहीं है, मेरे ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा, मैं अपने घर में भी नहीं कर सकता। मेरा जब मेरा जो है वजूद जो है वो शरीयत के खिलाफ चल रहा है, मेरा वजूद निज़ाम मुस्तफ़ा का वो दावा नहीं कर रहा। पाकिस्तान में किसी अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि पूरे माशरे में जो है निज़ाम मुस्तफ़ा है, पहले अपने पे लेकर सबसे पहले अपने पे। अच्छी बात है। अब आपने बोला 1947 में हम अलग इसलिए हुए कि इस्लामी निज़ाम आए, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। हम यहाँ पे इस्लाम के मुताबिक कानूनी तौर पे, मतलब जो हमारा आयन है, जैसे बैंक का सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है। इसका मतलब ये कि हम अगर बात करें कि जी इंडिया में मुसलमान सेफ नहीं है या वो अपनी मर्जी से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे अगर लेट सपोज वो नहीं कर, भाई बात बता कि हम सिर्फ इंडिया के पीछे क्यों पड़ गए? ठीक है, इंडिया मैं हम उसको हर चीज़ अब में अब देखें, हम दीगर भी तो मामला देखें ना, हर जगह पर चाइना के मुसलमानों की बात करें। अभी पता लगा पिछले साल या उससे पिछले साल चाइना में ईद नहीं होने दी उन्होंने, एक दिन बाद ईद होने दी उन्होंने, कि हमने नहीं ईद होने देनी। हमारे मीडिया पे दिखाया क्यों नहीं जाता? बस ये बात पता कि मीडिया पे तो बस मीडिया जिसका पैसा उसका मीडिया, ठीक है, इंडिया की छोटी छोटी चीज वो निकाब भी दिखा देंगे, बुरका भी दिखा देंगे। बात पता कि वो इंडिया के साथ पहले मरासम रहे ना, मुस्लिम हाँ रिलेशन रहे, और उसका कुछ ना कुछ रमक बाकी रहती है ना, वो रहता है, वो कुछ ऐसा है। बहरहाल बात है, अच्छा इनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि हम हर बात को इंडिया में क्यों ले जाते हैं कि इंडिया में ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, हम चाइना के मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते? मुसलमान जहाँ पे मुसलमान परेशान हो रहा है, जहाँ पे बल्कि इंसान जहाँ पे नहीं देखिए, इंसानियत पहले मुस्लिम है फिर इंसानियत है, इंसान मैं कैसे पहले इस्लाम पहले इस्लाम इंसान नहीं पहले इस्लाम पहले इंसान तो आ गया ना, इंसानियत है ना, इंसानियत इंसानियत तो अपनी जगह पर है। मैं अर्ज करता हूँ, इस्लाम होगा तो इंसानियत की कदर होगी, इस्लाम होगा। बर्मा में जो हुआ किसको कत्ल किया गया? हिंदुओं को, क्रिश्चियन को, गैर मुस्लिम को, मुसलमानों का ही कत्ल, मुसलमान को शहीद किया गया वहाँ पर। बात बता क्या मैं अर्ज करता हूँ, जहाँ पर देखिए अमेरिका में जो कुछ होता है वो आपको नहीं बताएंगे, कुछ अगर होता है ना, नहीं आज तो सोशल मीडिया का दौर है हर चीज़ हम, मैं बताता हूँ। अच्छा अगर कहीं भी गैर मुस्लिम ममालिक में जैसे यूके जो बड़े बड़े जो आप कहते हैं अमेरिका यूके में, वहाँ पर यूरोप में अगर मुसलमान मर जाए, उसकी जब तक डेड बॉडी उसको नहीं दी जाती उसके घर वालों को, जब तक कि उसका वो ना कर दें, क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम ना कर दें, नहीं उनका एक असूल है, तीन महीने आपकी बॉडी जो है वो सर्दखाने में पड़ी रहेगी, सर्दखाने में पड़ी रहेगी, ठीक है ना। मैं इस्लाम ना भी हो,
इस्लाम की बात नहीं, देखिए मुस्लिम के साथ। लेकिन आपने यूरोप की बात किया ना, मेरी भी बात सुने। इलामा इकबाल ने पता क्या बोला था, जो हम इलामा इकबाल को मानते हैं, कायदे आजम को मानते हैं, उन्होंने पता क्या बोला था, उन्होंने ये कहा था कि अगर यूरोप की बात करें वहाँ पे इस्लाम नहीं है, मुसलमान मौजूद है, मतलब वो रूल को फॉलो करते हैं, मुसलमान है, वहाँ पे इस्लाम मौजूद है। मैं बात ये हो रही है मुसलमानों को तंग कहाँ किया, किस तरह किया जा रहा है। आपने बोला वहाँ पे तंग, मैं कहता हूँ इलामा इकबाल ने बोला कि वहाँ पे इस्लाम नहीं लेकिन मुसलमान है, लेकिन उन्होंने बस कलमा नहीं पढ़ा। यहाँ पे कलमे वाले तो बहुत है लेकिन अमल करने वाला कोई नहीं। डॉक्टर इकबाल कब, जब कब फरमाया था उन्होंने? ये तो जाहिर बात है अपनी, जब वो जिंदा थे और कोई 40-50 साल, 80 साल हो गए होंगे। और भाई 80 साल के अंदर क्या कुछ नहीं हो गया, हमारे पाकिस्तान को पहला क्या था और अब क्या है, आप खुद देख लें। ये नहीं कि वहाँ पे इलामा इकबाल ने कह दिया तो वहाँ पे ये होगा, तो ये कोई ज़रूरी है कि वहीं पर ये ऐसे ही होगा। मुसलमान अगर कहीं भी है ना, उसको वो तंग नहीं करता। मैं तो पहली बात बोलूँ, वो तंग नहीं करता, जो तंग करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ अच्छा, बड़ा अच्छा लगा बात करके, जो डिस्कशन थी काफ़ी लंबी चली। ये बता दें कि कश्मीर आपके ख्याल में सिर्फ हमारा मसला है या पूरे इंटरनेट? नहीं, बात बता कि कश्मीर मुसलमान है, हमारा मसला है। मैं बता दूं, मुसलमान कश्मीर हिस्ट्री में जाए वहाँ पे भी पहले हिंदू पंडित थे, वो फिर चीज़ें। नहीं नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, कश्मीर जो बेसिकली है ना, हम जो कश्मीर के पीछे पड़े हुए हैं या उसके लिए दुआएँ करते हैं, या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद कर दे, दुआओं से नहीं काम होगा। मैं एक छोटा सा आपको एक छोटी सी है ना बात करने लगा हूँ, है कड़वी बात, मसला नहीं आपको जो बात कड़वी है लेकिन है मानने वाली बात है। इसराइल का जो सदर था ना, नाम में मैं लूंगा, पिछले ये किताबों में लिखा हुआ है, उनका एक डे होता है प्रेयर डे, दुआ का दिन होता है, खास दिन होता है उनका ना एक। वो उस खास दिन में ना वो काम करने जा रहा था बाहर, बाहर जाने लगा उसने अपनी बेटी को, बेटी ने उसको कहा बाबा कहाँ जा रहे हैं आप, वेयर आर यू गोइंग डैडी, कहाँ जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा बेटा मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। कहने लगा आज हमारा खास दिन है, मजहबी प्रे डे है, आप इसको छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? कहने लगा बेटा काम होगा तो सारे काम होंगे, मैं बता दूँ। उसने पता क्या कहा, उसने कहा देखो लाखों लाख मुसलमान हर साल बैतुल्ला अपने मुकद्दस